अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मेरा उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप भी लोन ऐप्स के ज़रिए लोन लेना चाहते हैं और आपकी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी लोन ऐप बेहतर है और लीगल है, तो मैं बताने जा रहा हूं आपको ऐसी ट्रस्टेड और हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा मोबाइल लोन ऐप्स के नाम जो कि SECP से भी रेगुलेटेड हैं और लीगल वे में अपने कस्टमर्स को लोन फ्राहम करती हैं। ये वो लोन ऐप्स हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं जो कम से कम आपको ब्लैकमेल नहीं करती और आपकी निजी मालूमात भी इंटैक्ट रखती हैं, क्योंकि माजी में ऐसा देखा गया है कि बहुत सी ऐसी मोबाइल ऐप्स आई थी जिनके ज़रिए लोग लोन तो ले लेते थे लेकिन बाद में उनको परेशानी का सामना करना पड़ता था। उनकी कस्टमर सर्विस के जो नुमाइंदे होते थे वो बिला वजह में आपको कॉल्स करते थे, आपको धमकियाँ देते थे और आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं उसको भी बाकायदा सोल्ड आउट किया जाता था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा इस हवाले से वो वीडियो के आखिर में है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप पहली दफ़ा आए हैं हमारे चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको मज़ेदार आने वाली वीडियोस भी मिलती रहे। तो व्यूअर्स, इन मोबाइल ऐप्स की लिस्ट SECP की वेबसाइट पर अपडेट हो चुकी है और ये लास्ट अपडेट जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो 10 सितम्बर 2024 की है। तो ये देखिए, मैं अब नाम शेयर करने जा रहा हूँ: पैसा यार, एतमाद, हकीम, फौरी कैश, स्मार्ट कर्ज़ा, जैस कैश, इसके अलावा मनी टैप, पाक क्रेडिट, दायरा। तो ये टोटल 9 ऐप्स हैं जो कि SECP से रजिस्टर्ड हैं, अप्रूव्ड हैं। और इसके अलावा मज़ीद 7 ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी बताए गए हैं जो कि अप्रूव्ड हैं, जिनमें अभी योर सैलरी नाउ जो कि एडवांस में आपको सैलरी दे देते हैं, इसके अलावा जोद पे और जोद माल, ये भी फाइनेंशियल सर्विसेज फ्राहम करते हैं, इसके अलावा मुआविन, ये B2B फाइनेंसिंग देते हैं, इसके अलावा किस्त बाज़ार, इसमें भी बाय नाउ और पे लेटर का कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा तिजारा, ये भी एक ऐप है B2B फाइनेंसिंग के हवाले से, ईडूफी, ये भी एक फाइनेंशियल सर्विसेज लोन ऐप है जो कि स्टूडेंट्स को लोन फ्राहम करती है, इनका कॉन्सेप्ट है स्टडी नाउ पे लेटर, तालीम कनेक्ट, ये भी एजुकेशनल फाइनेंस फ्राहम करते हैं। तो ये थी लिस्ट जो कि आपसे मैंने शेयर की। और अब आखिरी बात व्यूअर्स, इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना था। पर्सनली मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप इन लोन ऐप से कर्ज़ा लें, क्योंकि ये तमाम ही ऐप्स ज़ायद शराय सूद के ऊपर काम करती हैं और सूद जैसा कि ज़ाहिर है कि इस्लाम में हराम है, तो जितनी हद तक हो सके इन ऐप से लोन लेने से इज्तनाब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।